हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज फिर हम आपके लिए मध्य प्रदेश के लोक नृत्य लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है कर्मा लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के गोंडा और बेगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है, जो मंडला के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। कर्मा नृत्य कर्मा राजा और कर्म रानी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रायः 8 पुरुष और 8 महिलाएं नृत्य करती हैं। ये लोग गोलार्ध बना के नृत्य करते हैं, जिसमें एक दल गीत उठाता है और दूसरा दल गीत दोहराता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र मदाल का प्रयोग किया जाता है। नृत्य में युवक एवं युवती आगे पीछे चलने में एक दूसरे के अंगूठे छूने की कोशिश करते हैं। अब आता है अहिराई नृत्य। मारम सेटन सेल और अहिराई मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के प्रमुख पारंपरिक नृत्य है। भारियाम जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस समूह नृत्य प्रदर्शन के लिए ढोल और टिमकी, पीतल धातु की थाली की एक जोड़ी, इन दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें ढोल और टिमकी बजाते हुए वादक गोलाकार में घूमते हैं। वाद्य यंत्रों की बढ़ती ध्वनि के साथ नर्तकों के हाथ और कदम भी तेजी से घूमते हैं जाते हैं, और बढ़ती चढ़ती धुन के साथ ये समूह एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। अब आता है गणगौर नृत्य। यह नृत्य मुख्य रूप से गणगौर त्योहार के 9 दिनों के दौरान किया जाता है। इस त्योहार में अनुष्ठानों के साथ कई नृत्य और गीत जुड़े हुए हैं। यह निमाड़ क्षेत्र में उनके देवता रानुबाई और धनियार सूर्य देवता के सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक रूप है। नंबर 4, अब आता है बरेडी। बरेडी दिवाली के त्योहार से पूर्णिमा के दिन तक की अवधि के दौरान बरेडी नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश के इस सबसे आश्चर्यजनक नृत्य प्रदर्शन में एक पुरुष कलाकार की प्रमुखता में रंगीन कपड़े पहने 8-10 युवा पुरुषों का एक समूह नृत्य करता है। प्राय पर दिवारी नामक 2 पंक्तियों की भक्ति कविता से इस नृत्य का प्रारंभ होता है। नंबर 5, अब आता है मटकी नृत्य। मालवा के पठारी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम नृत्य होते हैं। विवाह आदि के अवसर पर ग्रामीण महिलाएं सिर पर मटकी रखकर नृत्य करती हैं, जिसे मटकी नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य प्रायः नर्तकी द्वारा किया जाता है। यदा कदा मनोरंजन हेतु महिलाएं मुगल मुख नर्तकी के साथ देने आ जाती है, जो प्रायः घूंघट डाल कर नृत्य करती है। मटकी नृत्य के 2 रूप भेद होते हैं, आड़ा एवं खड़ा। अब आता है लोकगीत। भारत के किसी अन्य हिस्से की तरह मध्य प्रदेश भी देवी देवताओं के समक्ष किए जाने वाले और विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित लोक नृत्यों द्वारा अपनी संस्कृति का एक परिपूर्ण दृश्य प्रदान करता है। लंबे समय से सभी पारंपरिक नृत्य आस्था की एक पवित्र अभिव्यक्ति रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित लोक रंजन एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है, जो मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों में लोकप्रिय लोक नृत्य और आदिवासी नृत्यों को पेश करने के लिए एक बेहतरीन मंच है। सो गाइस, तो ये वीडियो मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों से संबंधित था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी राय जरूर दें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।